Good morning, students of class 6. Today we have discussed about exercise 4.3. Before doing the questions of this exercise, first of all we understand the concept of this exercise. In the previous exercise we have learned about the curves and polygon. But student, in this exercise we have learned about the angles. Angles kya hote hain? Aap pehli baar padh rahe hain. Angles are made up of two rays. Student, jab hum angles ki baat karenge to you know that two rays matlab two line segment. The angles are made up of two lines. They share one common point and rays start from a common point. कि स्टूडेंट्स अगर हम बात करेंगे कि एंगल्स क्या होते हैं तो मैंने आपको बताया कि एंगल हैव टू रेज एंड वन कॉमन पॉइंट. तो हमें ये जानना पड़ेगा. लुक एट द पिक्चर इन इट विच इज़ शो ऑन योर स्क्रीन. स्टूडेंट आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ एन एंगल. इसमें देखें स्टूडेंट, यहाँ पे एक पॉइंट है ओ. दिस इज़ अ कॉमन पॉइंट. तो आप देखो कि ये एक एंगल है, लेकिन इस एंगल के अंदर ये जो पॉइंट है ओ, इट्स अ कॉमन पॉइंट. और उसकी जो ये टू रेज हैं विच आर ओ ए एंड ओ बी, हम क्या बोलेंगे कि अगर इस फिगर की हम बात करेंगे तो इस फिगर में जो हमारा कॉमन पॉइंट है वो ओ है, एंड जो ओ है एंड ओ बी आर द रेज ऑफ द ओ इज अ रे एंड इट इज़ कॉल्ड एन आर्म और साइड. हम स्टूडेंट, जो हमारी जो रे है हम उसको साइड्स भी बोल सकते हैं और आर्म भी बोल सकते हैं. एंड लाइक इस क्वेश्चन में हमारे पास टू आर्म्स है विच आर ओ ए एंड ओ बी. स्टूडेंट यू नो इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है, लाइक वेन एवर आई राइट ओ ए एंड ओ बी, सो नो दैट ओ इज़ अ कॉमन पॉइंट. तो हम क्या देख रहे हैं कि जो ओ पॉइंट है विच इज़ कॉमन, वहाँ से हमारी टू रेज हैं ओ ए एंड ओ बी. ओ इज़ अ कॉमन पॉइंट एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ वर्टेक्स. हम पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स. देन दिस फिगर बिकम्स एन एंगल. स्टूडेंट वी कैन ऑल्सो नेम्ड इट. हम एंगल्स का नाम भी रख सकते हैं. यू नो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि इस फिगर में कितने एंगल्स हैं. स्टूडेंट वेन एवर वी राइट द नेम ऑफ एनी एंगल, द कॉमन पॉइंट इज लाइज बिटवीन द नेम ऑफ एन एंगल. हम जब भी किसी भी एंगल के नेम्स राइट डाउन करते हैं तो हम देखेंगे उनका जो कॉमन पॉइंट होता है वो बिल्कुल मिड में आता है, लाइक दैट. वर्टेक्स इज ऑलवेज कम्स इन द नेम ऑफ एन एंगल लाइक ए ओ बी. लाइक आप लोग देखिए, लुक एट द स्क्रीन. Now, whenever I write the angle A, O, B, O is between the, and whenever I write the angle B, O, A, angle B, O, A, so O is common, so we can say that the common point O lies between the rays O, A and O, B. So we can say that vertex always comes in between the name of any एंगल. स्टूडेंट यू ऑलवेज अंडरस्टैंड कि जो एंगल है उसकी टू रेज होती है एंड वन कॉमन पॉइंट होता है. लेकिन इसमें एक वन चीज़ और एक और इम्पॉर्टेंट होती है विच वी रिमेंबर, इंटीरियर पॉइंट ऑफ एन एंगल. यू कैन से दिस इज़ एन एंगल ए ओ बी या बी ओ ए. स्टूडेंट लाइक दिस इज़ योर एंगल. इस एंगल के बीच में अगर कोई पॉइंट है, लाइक दिस इज़ योर फिगर एंड यहाँ पर कोई पॉइंट है, इट्स अ इंटीरियर पार्ट ऑफ एन एंगल. सो कैन वी पुट एन मार्क. हमने यहाँ पे एक मार्क पॉइंट किया है, मार्क किया है विच नेम्ड एज पी. सो वी कैन से दैट पी इज़ अ इंटीरियर पॉइंट ऑफ एंगल ए ओ बी एंड बी ओ ए. दिस पार्ट इज कॉल्ड द शेडेड पार्ट ऑफ एन एंगल, इंटीरियर पार्ट ऑफ एन एंगल. नाउ स्टूडेंट आई टोल्ड यू अबाउट द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एन एंगल, लाइक दिस इज योर एंगल ए ओ बी. इन दिस यू नो दैट दिस इज़ अ इंटीरियर पार्ट. सो वैन वी पुट मार्क इंटीरियर पॉइंट वी वुड राइट हेयर, बट नाउ वी वॉन्ट टू पुट एक्सटीरियर पॉइंट. सो हेयर आई पुट अ मार्क पॉइंट क्यू. यू नो सो पॉइंट क्यू इज़ एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एन एंगल. आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीरियर पॉइंट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटीरियर पॉइंट. हम जब भी किसी एंगल के अंदर उसके इंटीरियर शेडेड पार्ट में कोई भी अगर हम पॉइंट को मार्क करते हैं तो हम उन्हें कैसा पॉइंट बोलेंगे? इंटीरियर पॉइंट. बट व्हेन वी पुट एनी मार्क विच आउटसाइड ऑफ द एंगल विच इज़ कॉल्ड एक्सटीरियर पॉइंट. नाउ स्टूडेंट वी कैन डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. लेट्स सी. स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द क्वेश्चन नंबर वन. नेम द एंगल्स गिवन इन द फिगर. स्टूडेंट लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर. यू नो दैट इट इज़ अ पिक्चर विच इज़ मेड अप ऑफ
four line segments, which are 1, 2, 3, and 4. This figure is made up of four line segments, and also this figure has also four vertices like A, B, C, D. हम कह सकते हैं कि इस फिगर में हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं. लेकिन हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में 4 एंगल्स बताने हैं. नेम द एंगल्स गिवन इन द फिगर, हमें बताने हैं कि इसमें कौन कौन से एंगल्स गिवन हैं, यू नो. सो लेट्स सी, हियर आई ड्रॉ द पिक्चर ऑफ इट. यू नो कि दिस इज़ अ क्लोज शेप. हम देख रहे हैं कि एक क्लोज फिगर है ए बी सी डी, जिसके फोर वर्टिसेस है, फोर पॉइंट्स, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी. लेकिन हम इसमें क्या फाइंड करने हैं, एंगल्स ऑफ दिस फिगर. तो स्टूडेंट यू नो दैट कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एंगल फाइंड करेंगे वो थ्री पॉइंट्स से मिलकर बना होता है और जिसमें टू रेज होती है. लाइक एंगल क्या होता है, जिसकी टू रेज होती है. तो लाइक इफ आई टेक बी एज अ कॉमन पॉइंट, सो इफ आई टेक पॉइंट ए एज अ कॉमन पॉइंट, सो माई एंगल इज डी ए बी. If I take point B as a common point, the rays are AB and BC, so the angle is ABC. If I take the point C as a common point, so the rays are CD and BC. So we can say that the three angles are angle DAB, angle ABC, BCD and CDA. So we can say that this question have four angles which is made up of line segments. लेकिन स्टूडेंट हमारे लिए जो रिमेंबर करने वाली चीज़ है वो ये है कि सब भी हम एंगल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, रिकोगनाइज करेंगे, हम हमेशा ए के पॉइंट को कॉमन लेंगे और बाकी उसके जो एजेंट साइड्स होंगी या एजेंट लाइन सेगमेंट्स होंगे वो उसकी रेज होगी. लाइक जैसे जब मैंने पॉइंट ए को लिया तो मेरी रेज क्या हो गई, ए डी एंड ए बी. वेन एवर आई टेक बी as a common point, the rays are AB and BC. Whenever I take point C, my rays are CD and BC. And I take D, the rays are CD and DA. Now we discuss question number of 2. In the given diagram, name the point. Student, here you have a picture of a diagram. We have this three situation in this. So first we read in the interior of DOE, in the exterior of EOF, एंड ऑन ई ओ एफ. स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, नेम द पॉइंट्स. हमें जो डाइग्राम है उसमें आइडेंटिफाई करने एंड जो पॉइंट्स के नेम को राइट डाउन करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द इंटीरियर ऑफ डी ओ ई. हम देखेंगे कि जो हमारा एंगल है डी ओ ई उसके बीच में कौन कौन सा एंगल इंटीरियर शेड में है. स्टूडेंट है यू सी द एंगल डी ओ ई. हम यहाँ देख रहे हैं कि इन दोनों एंगल्स के बीच में जो हमारा कॉमन पॉइंट है विच इज ए. द पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द डी ओ इज ए. अब नाउ द पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ. अब इन्होंने हमसे पूछा है कि आपका एंगल यू नो ई ओ एफ इसके एक्सटीरियर में कौन से पॉइंट है. तो वी कैन ईजिली से दैट द पॉइंट सी एंड द पॉइंट ए एंड पॉइंट डी, क्योंकि हमारा एंगल कहाँ पर है, ई ओ एफ. सो इसके एक्सटीरियर में क्या है, पॉइंट सी भी है, पॉइंट ए भी है एंड पॉइंट डी भी है. सो वी कैन से दैट द पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ इज पॉइंट सी ए एंड डी. नाउ वी डिस्कस द पॉइंट्स ऑन एंगल ई ओ एफ. अब हमें बताने हैं कि जो आपका एंगल ई ओ एफ है ये जो पर्टिकुलर इसकी जो रेज हैं इस पर कौन कौन से पॉइंट्स हैं. सो वी कैन से दैट द पॉइंट्स ऑन ई ओ एफ आर यू नो पॉइंट ई भी है, बी भी है, ओ बी है एंड एफ है. बिकॉज ऑफ इन्होंने इंटीरियर एक्सटीरियर नहीं बोला है. इंटीरियर के टाइम पे हमने ए बताया, एक्सटीरियर के टाइम पे हमने सी डी ए को बताया. बट नाउ हमें क्या बताना है कि आपका जो एंगल ई ओ एफ है उस पर कौन कौन से पॉइंट्स है. द पॉइंट्स लाइज ऑन एंगल ई ओ एफ आर पॉइंट ई, पॉइंट पी, पॉइंट ओ एंड पॉइंट एफ. नाउ स्टूडेंट वी कैन डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3. ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव. स्टूडेंट हमें क्या करना है, एक रफ डायग्राम बनाना है अपनी नोटबुक में और हमें जो किससे जुड़ा हुआ होगा, टू एंगल्स. लाइक
जैसे भी अभी आपने देखा था कि ये जो फिगर थी अबाउट द क्वेश्चन, हमने यहाँ देखा था कि हमारे पास इस गिवन फिगर के अंदर टू एंगल्स हैं, लाइक ईओडी एंड ईओएफ। तो इसी तरीके का हम कोई सिमिलर पिक्चर ड्रॉ करेंगे और हमें उसमें क्या बताना है, वन पॉइंट इन कॉमन, टू पॉइंट्स इन कॉमन, थ्री पॉइंट्स इन कॉमन, फोर पॉइंट्स इन कॉमन एंड वन रे इन कॉमन। नाउ लुक एट द फॉलोइंग स्क्रीन, यू नो दैट दिस इज़ अ टू एंगल। स्टूडेंट हमारे पास टू एंगल्स है, फर्स्ट इज एंगल सी ओ डी एंड एंगल ए ओ बी। अब हमारे पास टू एंगल्स हो गए, द फर्स्ट एंगल हमारा ये हो गया एंड द सेकेंड वन एंगल ये हो गया, लेकिन हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, आपको क्या बताना है, वन पॉइंट इन कॉमन। कि इन दोनों एंगल्स में, मीन्स एंगल वन और एंगल टू में कौन सा कॉमन पॉइंट है, तो मैं देख रही हूँ कि डी ओ सी, आई कैन से दैट, या फिर एंगल सी ओ डी, इसमें कौन सा पॉइंट कॉमन आ रहा है, ओ। इसी तरीके से ए ओ बी या बी ओ ए, सो आई कैन से दैट द पॉइंट ओ इज कॉमन पॉइंट बिटवीन सी ओ डी एंड ए ओ बी। नाउ वी डिस्कस सेकेंड पॉइंट ऑफ इट, टू पॉइंट्स इन कॉमन। अब इन्होंने हमें बताया कि ये पूरी जो फिगर है इसमें टू पॉइंट्स कौन से कॉमन है, तो यू नो दैट अगर हम बात करते हैं कि पॉइंट ओ, लाइक मैंने ड्रॉ किया रफ डायग्राम, तो मैंने क्या ड्रॉ किया, सी ओ बी। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक डायग्राम बनाया विच नेम्ड एज ए ओ सी, तो यू नो दैट दैट इज़ माई फर्स्ट ट्राइंगल कि ए ओ सी एंड ए ओ बी। तो यू नो दैट कि पॉइंट ओ बिकॉज ऑफ वो इसमें भी आ रहा है, ए ओ बी में भी है एंड ए ओ सी में भी है, बी ओ सी में भी है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो पॉइंट ओ है एक तो वो कॉमन है एंड बी ओ सी बिकॉज ऑफ आर एंगल्स आर बी ओ ए एंड बी ओ सी, सो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर कॉमन, पॉइंट ए एंड बी आर कॉमन पॉइंट्स बिटवीन एंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी, थ्री पॉइंट्स इन कॉमन। अब हमें बताना है कि आपके ये टू एंगल्स हैं, लाइक योर एंगल्स आर ए ओ बी, हमारा फर्स्ट एंगल है स्टूडेंट्स ए ओ बी एंड सेकेंड है हमारा बी ओ सी, लेकिन इन्होंने हमें सिचुएशन दी है कि आपको थ्री कॉमन पॉइंट्स बताने हैं। अब मैं अगर बात करूँ तो फर्स्ट माय एंगल इज ए ओ बी एंड बी ओ सी, सो अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट कॉमन पॉइंट इज दिस, द पॉइंट ओ इज़ द फर्स्ट कॉमन पॉइंट एंड आफ्टर दैट यू नो दैट लाइक बी ओ सी एंड बी ओ ए। अब हम इसमें देख सकते हैं कि जो पॉइंट ई है, लाइक आई कैन फाइंड दैट कि आप अगर देख रहे हो कि ये जो लाइन सेगमेंट है विच इज़ मेड अप ऑफ ऑन दिस, तो हम बोल सकते हैं कि जो पॉइंट ई है वो इसमें भी आ रहा है और वो इसमें भी फॉल कर रहा है, सो वी कैन से दैट पॉइंट ई एंड पॉइंट पी also the three common points, so we can say that point O, E and B are common points between AOB and BOC. Now we can identify four common points, you know that we have angle BOE, you know that, देखिए इसमें काफ़ी सारे angles बन रहे हैं, like BOE, BOD, BOA, अगर हम इधर से बात करें तो COE, COD, सी ओ ए, यू नो दैट दिस लाइन सेगमेंट पे हमने थ्री पॉइंट्स मार्क आउट कर रखे हैं, ई डी ए, ये तीनों ही अलग अलग एंगल्स बना रहे हैं, लाइक बी ओ ई, बी ओ डी, बी ओ ए, इसी तरीके से सी ओ ई, सी ओ डी, सी ओ ए, तो वी कैन फाइंड द फोर कॉमन पॉइंट्स विच आर लाइक, अगर मैं बात करती हूँ तो बी ओ ई, सी ओ ई, तो यू नो दैट ओ एंड ई, व्हेनेवर आई रीड इट, मैंने बी ओ ई किया एंड सी ओ ई किया, तो देखिए ओ एंड ई तो कॉमन है, सो आर फर्स्ट टू पॉइंट्स आर ओ एंड ई। अब उसके बाद देखते हैं हमारे टू पॉइंट्स हमें और कॉमन बताने, यू नो वेन एवर आई रीड इट बी ओ डी, सी ओ डी, तो आई कैन से दैट डी इज ऑल्सो बी ओ ए, सी ओ ए, सो स्टूडेंट आर फोर कॉमन पॉइंट्स आर ओ ई, डी ए एंड आर कॉमन पॉइंट्स बिटवीन बी ओ ए एंड सी ओ ए। नाउ द लास्ट पॉइंट इज वन रे इन कॉमन, यू नो स्टूडेंट की एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेस, बट हमें यहाँ पे देखो कि हमारे पास टू एंगल्स है, दिस इज़ वन एंड दिस इज एंगल नंबर टू, फर्स्ट एंगल इज बी ओ सी एंड
AOC, बट हमें इसमें बतानी एक कॉमन रे। वैसे तो हमें पता है कि एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज एंड वन कॉमन पॉइंट, हमें ये भी पता है कि इसमें वन कॉमन पॉइंट O है, बट हमें कॉमन रे बतानी है। तो यू नो दैट कि अगर मैं बात करती हूँ तो BOC, और इसी तरीके से AOC एंड BO इज़ अ डिफरेंट रे, बट अगर हम बात करते हैं OC एंड OC इज़ द कॉमन रे इन इट। सो OC इज कॉमनली रे बिटवीन BOC एंड AOC। स्टूडेंट यू राइट अ डायरी नोटिस ऑन इट, डू क्वेश्चन नंबर 1 इन CW नोटबुक एंड डू क्वेश्चन 2 and 3 इन HW नोटबुक एंड मेंटेन योर डायरी नोटिस एंड इंडेक्स प्रॉपरली एवरी डे। डोंट पेंडिंग योर वर्क। थैंक यू ऑल।